ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LIC AAO सिलेबस 2019 के बारे में और साथ ही मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में शॉर्ट ओवरव्यू जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LIC बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि जर्नलिस्ट, IT, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअरियल, राजभाषा, इन डिसिप्लिन के लिए निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 590 है, यानी कि इसके अंदर कुल 590 पद निकाले गए हैं। कैटेगरी सिलेबस, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगी और ऑल ओवर इंडिया से ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और साथ ही आई बटन के अंदर भी देने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं कंप्लीट जानकारी एक एक करके। दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा वो प्रीलिम और मेन एग्जाम के माध्यम से होगा, यानी कि पहले आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। तो चलिए पहले मैं आपको प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूं, जो कि कटिंग जो आप अभी देख पा रहे हो वीडियो के अंदर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। यहां पर आप देख सकते हो फेज वन प्रीलिमरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी कि जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑनलाइन एग्जाम भी बोलते हैं। दी टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन विद सेपरेट टाइमिंग ऑफ 4 ईच सेक्शन, यानी कि एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन होंगे, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सेक्शन 1 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 35 मार्क्स दिए जाएंगे और मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST के लिए 16 और अदर्स के लिए 18 मार्क्स जरूरी है और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। और दूसरा आपका सेक्शन है क्वांटिटी और एप्टीट्यूड, इसके अंदर भी 35 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा, यानी कि आपको 35 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मीडियम भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, इसमें भी आप यहाँ का क्वालिफाइंग मार्क्स चेक कर सकते हो और ये करने के लिए भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरा आपका सेक्शन है, इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रेशंस, इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 30 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश रहेगा, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएंगे। इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 9 चाहिए और अदर्स को 10 मार्क्स चाहिए। ये करने के लिए भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 70 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको एक घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि जर्नलिस्ट के लिए है, यानी कि जो इसमें अलग अलग से मैंने आपको बताया जो AAO की पोस्ट निकाली गई, वो बहुत सारे डिसिप्लिन के अंदर निकाली गई, जो कि मैं आपको शुरुआत में बताई थी। इसमें जो अब मैं आपको मेन एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ जर्नलिस्ट डिसिप्लिन के अंदर का है, तो चलिए मैं आपको मेन एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। यह एग्जाम 2 सेक्शन के अंदर किया जाएगा। पहले सेक्शन के अंदर आपका रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके लिए 90 दिए जाएंगे और इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। इसमें आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 चाहिए और अदर्स को 45 चाहिए। यह करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा सेक्शन है जनरल नॉलेज, इसके अंदर यह सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मीडियम ऑफ एग्जाम भी हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा और इसमें SC ST को क्वालिफाइंग मार्क्स 27 चाहिए और अदर्स के लिए 30 चाहिए और आपको सेक्शन 2 करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर बाकी के अभी और सेक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं।
अगला सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके लिए 90 दिए जाएंगे। इसका मीडियम ऑफ एग्जाम भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा और इसमें आपसे क्वालिफाइंग मार्क्स 40 चाहिए और अदर्स के लिए 45 चाहिए और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और चौथा सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसके लिए आपको 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी इसमें मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा इस सब्जेक्ट के लिए भी। एस सी एस टी के लिए क्वालिफाई मार्क्स 27 रहेंगे और अदर्स के लिए 30 रहेंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। और आपका पांचवा सेक्शन है, इसके अंदर जो आपका पहले मैं आपका इनका टोटल करके बताता हूँ, टोटल आपका जो हो जाता है 120 मार्क्स हो जाते हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसके लिए आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे और आपका जो एग्जाम करने का टोटल समय है वो 2 घंटे रहेगा। और पांचवा जो सेक्शन है वो अलग से करके दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे, इसमें आपको सिर्फ लेटर और राइटिंग एसे लिखना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 25-25 मार्क्स के होंगे और जो इसका मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश रहेगा। इसमें एस सी एस टी को क्वालिफाइंग मार्क्स 9 चाहिए और अदर्स के लिए 10 चाहिए और ये करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। अब मैं आपको LIC AA एग्जाम पैटर्न IT चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअल पोस्ट का बता देता हूँ। मेन एग्जामिनेशन है ये जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको उसके सेक्शन वाइज जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपके जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वह रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। और आप इसके सामने देख सकते हो कि आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स दिए जाएंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए आपको 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स दिए जाएंगे और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए आपको 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और इनका मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा और आप यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स चेक कर सकते हो और सामने आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर के आपका 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, 300 मार्क्स हो जाते हैं और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड SCA, इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 मार्क्स आपको इसके लिए टोटल दिए जाएंगे और इसमें जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने हैं SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 9 है और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को 10 है। इसमें भी आपको यानी कि सब्जेक्ट के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और इसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा। अब मैं आपको LIC AA मेन एग्जाम पैटर्न राजभाषा यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ, जो कि मेन एग्जाम पैटर्न है। ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। जैसा कि बाकी के मेन एग्जाम पैटर्न में यूज किए गए इसमें भी सेम ही किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी के मार्क्स दिए गए हैं और नंबर दिए गए उनके सामने, जैसा कि आप बाकी के टेबल्स में देख चुके हो और ड्यूरेशन बताया गया कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा। और जो आपका पांचवा सेक्शन है इसमें आप नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश की आपको होनी चाहिए, इसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा और आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप यहां पर चेक कर सकते हो और इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस है। तो चलिए जान लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो जान लेते हैं। वर्बल, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन साइंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग। और नॉन वर्बल में जो टॉपिक इंक्लूड किया गया है वह नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेजेस, क्यूब्स एंड डाइस, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डाटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट एंड पैटर्न, क्लासिफिकेशन एनालॉजी, कोडेड इनक्वालिटीज। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी है और इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो इंक्लूड किया गया है वो है, टॉपिक्स का मतलब होता है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक्स के अंदर से होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के। तो चलिए जान लेते हैं, नंबर सिस्टम, SCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, एलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन। और आपका अगला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो है
करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल मिनिमम लास्ट 1 ईयर, यानी कि कम से कम लास्ट 1 ईयर के आपको होने चाहिए। मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज अपडेट्स, बजट एंड फाइव ईयर प्लान्स, हु इज हु, स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड होनर्स, साइंस इन्विटेशन एंड डिस्कवरीज, एब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, और उसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है वह फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स, नंबर सिस्टम, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, प्रोग्राम लैंग्वेजेस फुल फॉर्म, एब्जर्वेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, शॉर्टकट कीज, मिसलेनियस, लेटेस्ट इन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। और आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रेशंस। इसके अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किया गया है वो रीडिंग कंप्रेशंस, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पारा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दोस्तों ये था आपका सिलेबस जो कि LICAO सिलेबस के में इंक्लूड किया गया है, तो आप इस सिलेबस के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस एग्जाम पैटर्न या सिलेबस से संबंधित कोई सवाल पूछना हो या आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो अगर आप मुझे कोई सुझाव दे रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करूँ, और अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे।